कुकिंग स्टार्ट हो गई भी है। ये मेरी अलविदाई कुकिंग है। यस। पता नहीं आज मेरे से पिया और खाया क्यों नहीं जा रहा। हमारी हसीना तो जमीला और मतलब ये बात ने कैमरा ऑन नहीं किया और वीडियो सारी बना ली। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपके साथ लाइव विद मनीजा। तो व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है थोड़ा इमोशनल है और आपके लिए सस्पेंस भी है, इसलिए कि आज मेरा वर्किंग डे लास्ट है और इसमें यह है कि वो आपके लिए अनाउंसमेंट बाद में हो गई कि मेरा यह वर्किंग डे लास्ट क्यों है। फ़िलहाल तो वैसे जो मैं अपने व्यूज़ दूंगी, माशाल्लाह मुझे स्कूल से इतना प्यार मिला है कि मैं बता नहीं सकती, इतनी रिस्पेक्ट मिली है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है तो आज इस मुकाम पे हूँ कि एज़ अ टीचर काम किया, एज़ अ कोऑर्डिनेटर भी मुझे उन्होंने हायर कर लिया। तो ये एक रिस्पेक्ट है जो मुझे मिली है और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक भी ये रिस्पेक्ट मिल रही है। बहुत अच्छा टाइम यहाँ स्पेंड हुआ है और मेरी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ने और टीचर्स ने, स्टाफ ने, सब ने मिलकर आज मुझे पार्टी भी देनी है और वो जो टाइम होगा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अपने टीचर से, अपने स्टाफ से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे बाद भी अच्छा और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करें और अच्छे तरीके से लेके चलें सबको। तो ये है कि फिर ही आपका अच्छा टाइम स्पेंड होता है और अच्छा वही होता है जिसको पीठ पीछे याद किया जाए, उसकी बैक पे उसको याद किया जाए, और अच्छा इंसान भी वही होता है जो बाद में दिलों में याद रहे। तो ये लोग के काम करें तो इंशाल्लाह ऐसी ही रिस्पेक्ट मिलेगी जिस तरह आज मुझे अपने इन स्टाफ से रिस्पेक्ट मिल रही है। और मैं गुजरा हुआ है तो जाहिर सी बात है किसका दिल करता है कि वो जब इतना प्यार मिले तो उसको छोड़ के जाएँ। लेकिन ये अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो आपके लाइफ में ऐसा, मतलब कि आपको काम आना ही होता है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं मौके पे आपको स्किप करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, लेकिन व्यूअर्स ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मेरी लास्ट वर्किंग डे क्यों है, किस वजह से है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन आपने इस व्लॉग को देखना है और जितना मेरे से ये व्लॉग बन सकेगा, क्योंकि ये आज का व्लॉग जो है वो मेरे लिए ज़रा इमोशनल है। तो व्यूअर्स आपने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचना कि ये क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ, लेकिन यह कि मैं अपने स्टाफ से दोबारा यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पॉजिटिव होकर चलें तो अच्छा है। तो व्यूअर्स फिर ही सब कुछ अच्छा चलेगा, अदरवाइज़ अगर आप लॉयल होकर काम नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम तबाह हो जाएगा। आज के डे में जो कुछ होता है मैं आपसे शेयर करती हूँ, आपने लाइक कमेंट शेयर करना भूलना नहीं है। अभी तो वर्किंग स्टार्ट है, इसके बाद हमारी पार्टी स्टार्ट होगी, सैड सी। लेकिन चलें, सबको हाँ अच्छे काम के लिए अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन ये है, ये अभी सस्पेंस है, वो मैं बाद में बताऊंगी किस वजह से स्किप किया है, अभी वो नहीं बताने ही। कुकिंग स्टार्ट हो गई भी है, ये मेरी अलविदाई कुकिंग है। यस, एग्जैक्टली। बिरयानी पक रही है, बिल्कुल मेहनती लड़की की मेहनती बिरयानी। yes. दिखा दूं? अभी मैंने और अल्लाह माफ करे, बेचारी बहुत मेहनत कर रही है मेरे लिए, मेरी रुखसती के लिए। जी ओ बुलबुले आ रहे। व्यूअर्स आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैंने क्यों स्किप करना है, आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको वो जल्द से जल्द पता चल जाएगा। और आप भी बताइएगा कि ये क्यों इसका लास्ट वर्किंग डे है, तो आपसे भी हम ज़रा कमेंट्स लेंगे कि क्या आपकी राय है। हाँ जी। सब अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वर्किंग तो हमारी जारी है, ठीक है, लेकिन ये है कि ये मेरे हवाले से कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, ये वैसी है। लेकिन आपसे मैंने कमेंट्स लेने हैं कि वाकई क्या है। अब हम लोग पिक्चर्स बनाएंगे, ये सब मेरे साथ पिक्चर्स बनाएंगे और इस डे को अच्छा अच्छा सा स्पेंड करेंगे। काफ़ी लोग इमोशनल भी हो जाएंगे बीच में, स्पेशली मैम तो काफ़ी हो गई थी और बनता भी है, जाहिर सी बात है इतना अच्छा काम किया तो सबका बनता भी है। और लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है, एक ना एक दिन तो जाहिर सी बात है जाना था, तो वो चाहे कोई भी मन था, लेकिन जाहिर सी बात है अच्छा टाइम नहीं कोई भूलता। तो अब हम पिक्चर्स लेंगे और इन्जॉय भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा सैड का जो है मोमेंट्स वो भी आते जाएंगे, तो आपने मुझे बताते रहना है, ठीक है।
A few moments later. बिल्कुल, लेकिन मुनीसा ने उठा के भी नहीं रखा। मजे की बात तो वीडियो चली थी और हमने सारा कुछ कर लिया। इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और इंसान वही अच्छा होता है जो उसको बैक पे जाता है। मेरे बारे में हसीना, हमारे ये हमारी हसीना तो जमीला और शकीला और रहीला इसके लिए ढूंढे एक रिश्ता। तो माफ नहीं करेगी इसे शदीद जरूरत है। अगर आपको कोई ये बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी जा रही है। बेटा 4 साल में टिकी वाला अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अच्छा अच्छा टाइम रहा तो इंशाल्लाह ज्वाइनिंग ही देंगे, लेकिन अच्छा टाइम गुजरा। अच्छी लगी है मुझे, दुआ करें मेरी शादी हो जाए। अबे दूसरा शादी की दुआ करो यार। ये शादी के लायक नहीं हूँ। क्या किसी को पसंद नहीं आ सकती? देखो मैं सुगर बहुत हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, ठीक है। दिन में 10 रिश्ते आते हैं जिसमें से ये 9 रिजेक्ट कर देती है। एक पेंडिंग पे होती है और वो बताती है। नहीं ये झूठ है, 10 रिश्ते हो गया। हाँ बस मुझे समझ ही नहीं आते, मैं कहती तुसी नहीं अच्छे जाओ। नहीं मजाक कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ पे अल्लाह ने लिखा होगा वो जल्दी आ जाओ यार। पार्टी के साथ साथ वर्किंग भी जारी है, सारे टीचर्स मगन होके काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर इनको पार्टी मिलेगी। पता नहीं ये किस तरह का सीन होगा उस टाइम जब मैंने जा रहे होना है, लेकिन आपने मुझे बताना है वो मेरा क्यों लास्ट वर्किंग हो रहा है, तो आपसे भी मैंने ये राय लेनी है। सना बिल्कुल थक चुकी है ना? मैं इतना काम करती हूँ, आपने मुझे पार्टी स्टार्ट होने लगी है। सभी रेडी है, खुश है कि सैड है? सारे सैड है, कोई नहीं खुश है। ये कह रही है खुश है, ये जो मेरे साथ लोग रहते थे, हिना के व्यूज आए हैं कि ये खुश है, खुश है हिना, जबरदस्त। ओहो, गर्मा गर्म बिरयानी जबरदस्त। अब खा के पता चलेगा खुशबू तो अच्छी आ रही है। पिछली दफा स्पाइसी थी, इस दफा थोड़ी और स्पाइसी है। हाय ओए जबरदस्त, इस बार ये देखे यहाँ पे पार्टी होगी। खुश है मेरे जाने पे? वो मैं बहुत उदास हूँ आपके बगैर। आप खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, मतलब एक अच्छी बात है। बिना खुश है भाई मेरे जाने पे? नहीं मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। हाय, एक दफा बिल्कुल मिल के खा लो, उसके बाद फिर मैं फंक्शन पे चलो आ जाया करूँगी। इनके व्यूज लेते हैं कि मेरे जाने पे ये उदास हैं या खुश हैं। आप खुश हैं? हम उदास हैं। अल्लाह माफ करे, पर्दे भी कर रहे हैं। आप ना जाए, हम उदास हैं। कोई नहीं, मेरी रूह तो इधर ही है ना। ओए हिना तू क्या कहना चाहेगी? मैं कुछ कहना है तो इमोशनल सीन हो जाएगा। अपने व्यूज लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती है मेरे बारे में। आपके बारे में जितना खास है उतना कम है, लेकिन आप बहुत अच्छे टीचर हैं, हम बहुत मिस करेंगे। मैं तो रो पड़ूंगी यार जब तुम जाओगी। इमोशनल सीन भी आएंगे हाँ, लेकिन बहुत मिस करेंगे, याद करेंगे, बहुत ज़्यादा याद करेंगे। एक तो अक्सर चले दिलों में और इंशाल्लाह चक्कर लगाते रहेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर लाजमी मिलते रहेंगे हम। खाना पीना स्टार्ट हो रहा है, अल्लाह प्रॉमिस। लगता है बिरयानी बड़ा बड़ी कोई टेस्टी है। ये आ गई ना।
अपने तमाम स्टाफ से ये कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे पार्टी दी, बहुत बहुत थैंक्स। और मेरा जाना तो अलग रहा, लेकिन यह है कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, ये तो आप लोगों की एक प्यार मोहब्बत और क्या मैं कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, लेकिन यह है कि इन्होंने मेरे लिए काफ़ी एफर्ट किया है और मुझे एक पार्टी दी है। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि मुझे अच्छे अल्फाज में और अच्छे व्यूज़ में इन्होंने मुझे रुख्सत किया है, तो ये भी अच्छा लगा। लेकिन यादें तो हमेशा मुझे मेरे साथ ही रहेंगी। थैंक यू सो मच ओवरऑल स्टाफ का, थैंक यू सो मच। आपकी सीरियसली बहुत अच्छी बिरयानी बनी है, मिस सना ने बहुत अच्छी वर्किंग की है, और पीछे बैकग्राउंड इतना पड़ा आ रहा है। कैमरा बंद कर दे, क्यों बंद कर यार। सीरियसली बहुत मदद की मिस सना ने बिरयानी बनाई है, लग काम वाली नहीं है, लेकिन इसने तबाही मचा दी है। नहीं बहुत टेस्टी है, सारे इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये अपने घर बार को संभाल लेगी, ये लड़की संभाल लेगी, बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहती हूँ अकीर हो गया, ऐसे लग रहा है फाइन रेस्टोरेंट में बैठ के हम बिरयानी खा रहे हैं जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई है। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था वो भी बताएं। जब मेरी शादी होगी मैं अपनी बहन को बुलाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भगवान क्या जी बताएं कैसी बनी है। माशाल्लाह बहुत शानदार बनी है और बहुत मजा आ रहा खाने का। थैंक यू सुहरा, तुम लवली यहाँ पे देखते। अच्छा चले बताएं कैसी बनी है। बस अच्छी बनी है, मजा आया, बहुत मजा आया, टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, सेकंड एक्सपीरियंस भूख के बाद बहुत मजा आया। थैंक यू। इसको ऊपर से वन डॉग। चलो अब सब बताओ कैसी बनी है, बारी बारी पूछेंगे। जबरदस्त, परफेक्ट बनी। फिर बताओ, बहुत मजे की, तुम बहुत पहले बताओ बन रही है। चलो बताओ कैसी बनी है। बना ली, अब वीडियो चल रही है, अब सारे व्यूज दोबारा लेके आए प्लीज। तो मेरा मजाक पहले मुझे दिखा, पहले मुझे दिखा। अभी ऊपर ये नंबरिंग आ रही है ना, ये अब चल रही है। नहीं तो सारे यहीं से दे दो ना दोबारा। एक दो सूट यहाँ लटका जाए ताकि हमारी याद में रहें आप। और इसी के साथ साथ सबके कमेंट्स बहुत अच्छे आए हैं। बोतल पी ली है यार मेरी, और मेरी अभी इधर ही है, पता नहीं आज मेरे से पिया और खाया क्यों नहीं जा रहा। और मैम हीरा को हम मिस कर रहे हैं। ओके वो भी शरीफ ज़ादे मेरी तरह ही होंगे। मतरबा, ये मतरबा के लिए भी हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा है। हाँ जी, कोई इंसान का बच्चा हो या बिल्ली का बच्चा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्ली का बच्चा हो या इंसान का बच्चा हो चलेगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ जी करिए नारे बिरयानी। मनीषा 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 नहीं सना 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 छा गई सना। इनका डे बहुत अच्छा रहा और यह है कि आज मेरा इनका साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और यह है कि मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि वो सस्पेंस क्या था और वो क्या है जो जिसकी वजह से मैंने लास्ट डे किया है। यह सब बहुत उदास हैं और मुझसे ये व्लॉग आज बन नहीं रहा था, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊँ और मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि यह है कि वह डे ही ऐसा है कि मेरा तो खुद का भी दिल नहीं कर रहा है इनको छोड़ने का, लेकिन यह है कि फिर भी मैं अपनी, जाहिर सी बात है,
कोशिश तो पूरी करूँगा कि अच्छे से अच्छा टाइम गुजरे, और नेक्स्ट भी अगर मुझे यहाँ पे आने का मौका मिले तो मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे आऊँ, और मैं जिस तरह पहले प्यार मुझे मिला और नेक्स्ट भी मिले। तो व्यूअर्स, ये है कि मेरी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पूरे स्टाफ से यही है कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, और अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा खुश रखे, और नेक्स्ट मेरे बाद भी अल्लाह ताला स्कूल का सिस्टम अच्छा रखे, और मैंने जितना इनका साथ दिया है और इन्होंने मेरा साथ दिया है, अल्लाह ताला इसी तरह इस सिस्टम को आबाद रखे और खुशबाश ये सिस्टम चले, आमीन मेरी दुआ है। और व्यूअर्स, अब जो मैंने सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है वो नेक्स्ट आपको पता चलेगा क्यों मेरा लास्ट डे था। तो व्यूअर्स, इस ब्लॉग का, नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिएगा, उसमें क्या होने वाला है वो आपसे शेयरिंग। तो ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अपने सस्पेंस और जो मैंने आपको क्रिएट किया है वो उस आपको नेक्स्ट पता चलेगा। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।